उत्तरकाशी के गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान और जिलाधिकारी अभिषेक रोहिला ने जियोग्रिड दीवार के पास 6,66,00,000 से निर्मित होने वाले बस अड्डा पार्किंग का विधिवत भूमि पूजन का शुभारंभ किया है। बस अड्डा पार्किंग निर्माण का जिम्मा पेयजल निर्माण निगम को दिया गया है, जो 1 साल के भीतर निर्माण कार्य को पूरा करेगी। बस अड्डे में 116 बस, 43 टैक्सी और 51 दोपहिया वाहन पार्क हो सकेंगे। विधायक ने कहा कि जनता की बस अड्डा पार्किंग को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही थी। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। जो प्रस्ताव है पूर्व से ही दिया हुआ था शासन को, तो ये सभी मानक अनुसार ही डिजाइन करवाया गया होगा कार्यदायी संस्था द्वारा, इस चीज़ को देखते हुए और इसमें अप्रोप्रिएट ड्रेनेज वगैरह की व्यवस्था भी करवाने के निर्देश कार्यदायी संस्था को दिए गए हैं। सर प्रयास इसमें ही कि इसी समय तुरंत शुरू हो जाएगा काम इसका और अगले एक वर्ष में ही तैयार हो जाएगा। आज जो है इसका भूमि पूजन का कार्यक्रम, आज जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री अस्य मुख्यमंत्री माननीय धामी जी उनके अथक प्रयास से बस अड्डे का यहाँ पर जो पार्किंग की जो व्यवस्था अभी भले ये अधूरी है, क्योंकि इसको और आगे विस्तारीकरण होना और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसको पूरा कराने के लिए वचनबद्ध है कि मैं किसी भी तरह उत्तरकाशी में पार्किंग की जो व्यवस्था है उसको पूर्ण करूँगा।